हुए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे आप, ठीक है। पाकिस्तान ग्लोबल विद शाहिद खान आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हुए। मैं जानता हूँ कि महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में हर बंदा परेशान है और क्या कहते हैं, काफ़ी सफ़ेद पोश लोग हैं, सामने आने की कोशिश नहीं करते मीडिया के सामने आने की। आज मैं एक ऐसे क्या कहते हैं बच्चे से मिलवाऊंगा जो खुद मेहनत कर रहा है और खुद कमा के अपना घर का गुजर बसर कर रहा है। तो आए चलते हैं उस बच्चे की, और ये वीडियो क्या कहते हैं मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, लाजमी देखिएगा, ये मोटिवेट है उन बड़ों के लिए, बच्चा है मगर बच्चा बड़ों के लिए मोटिवेट है। आप इस बच्चे के थोड़े तासरात सुन लीजिएगा, उसके बाद अगेन मैं आपसे फिर बात करूँगा। आए अस्सलाम वालेकुम अब्दुलरहमान भाई, क्या हाल है, कैसे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुलरहमान भाई, आप कब से काम कर रहे हो, कब से आपने क्या कहते हैं यहाँ पे ये वर्क स्टार्ट किया? मेरे को जो है ना ये दो तीन हफ्ते हो गए यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। दो तीन हफ्तों से आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या मतलब क्या कहते हैं लोगों का रिव्यू मिला और कितने मतलब क्या कहते हैं लोगों ने आपको मतलब क्या रिस्पॉन्स दिया? अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, फेस भी बहुत अच्छा है। अच्छा आपके जैसे जो बच्चे हैं मतलब इस टाइम पढ़ रहे होते हैं और आप इस फील्ड में आ गए, मतलब खुद निकले और खुद छोटा सा एक बिजनेस लगाया, इसकी वजह क्या बनी आपकी? पढ़ने लिखने से दूर हैं हम थोड़ा, ये ना क्यों दूर, मतलब क्यों दूर हुए, क्या ऐसी मजबूरी आ गई जिसमें आप दूर हो गए और मतलब इधर क्या कहते हैं आपको ठेला लगाना पड़ गया? बस घर की मजबूरियाँ होती हैं, घर के हालात सही नहीं है। अच्छा वैसे यार मैं आपको नो डाउट क्या कहते हैं आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मोटिवेट हैं यंगस्टर्स के लिए, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं व्यूअर्स से अपने यही कहूँगा कि ऐसे बच्चों को प्रमोट करें, ऐसे बच्चों को आगे ले जाएँ, लोगों यंगस्टर्स जो हैं उनको मोटिवेट दें। अब ऐसे बच्चे देखें, अभी इसकी उम्र है पढ़ने लिखने की, ये बच्चा अपना एक छोटा सा बिज़नेस लगा के अपने घर का खर्चा चला रहा है। मैं खुद सोचा जफर अब्बास साहब आप बड़ी वीडियोज़ बनाते हैं लोगों की और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ ये बच्चा भी इधर है, इस बच्चे को भी लाजमी आप प्रमोट करें। मैं मानता हूँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, मैं आपके पास आना भी चाहता हूँ इंशाल्लाह, मैं आपसे मुलाकात भी करूँगा, मगर इस बच्चे की वीडियो अगर आपके पास होती इस बच्चे को लाजमी प्रमोट करना है। और मैं गवर्नर सिंह साहब कामरान कसूरी साहब से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कि अगर उनके पास भी ये मेरी वीडियो जा रही है तो गवर्नर साहब एक चक्कर इसके ठेले में भी लाजमी लगाना, क्योंकि इन्होंने जो लगाया है सेटअप छोटा सा है, गरीबी में लगाया है, मगर इनका टेस्ट खा के लाजमी जाना, क्योंकि आपकी वजह से काफ़ी लोग आएंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि लांडी कायदाबाद की साइड या मलिर की साइड जो लोग मुझे देखते हैं तो उनको भी ये खाऊंगा यार इस बच्चे के पास है नहीं तो यार 20-25 की 30 की चिप्स खा लें, थोड़ा सा इस बच्चे को मतलब मोटिवेट करें और इस बच्चे को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें। अगर कोई शख्स इस बच्चे से मुलाकात, इस बच्चे से मिलना चाहता है तो ये लोकेशन मैं बता दूँ, मुर्गी खाना है, मुर्गी खाने का ब्रिज आपको सामने दिख रहा है, उस ब्रिज के साथ ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो क्या कहते हैं जमाल इब्राहिम सोसाइटी के बाहर इस बच्चे ने ठेला लगाया हुआ है। अगर आप मलिर से आते हैं तो मलिर से जैसे पुल आप उतरेंगे तो इस बच्चे का आपको ठेला नज़र आ जाएगा, छोटा सा ठेला लगाया हुआ है। तो आप इनसे लाजमी मुलाकात करिएगा और ऐसी मोटिवेशन वीडियो देखते रहिए, इंशाल्लाह शाहिद भाई आपको लाजमी एक नई जगह और एक नए प्लेस में लाजमी मिलेगा। और अपने शाहिद भाई को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।